हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल, इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हूँ फरीदाबाद, सो हम फरीदाबाद आए हुए हैं स्पेशली i20 का शूट करने के लिए, जो कि आप लोग देख रहे हो कि i20 हमारी अलॉयज के साथ और फुली मॉडिफाइड है, जिसके अंदर इंटीरियर भी हमारा कस्टमाइज है। तो आइए इस वीडियो करते हैं शुरू। सो आइए, हमारे साथ है करण भाई, जिनकी i20 है। तो आइए एक बारी उनसे मिलते हैं। सो हेलो भाई। हेलो भाई, तो एक बारी हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। भाई मेरा नाम करण है, मैं फरीदाबाद से हूँ और ये मेरी i20 है। तो अगर हम बात करते हैं, ये i20 आपकी है, तो इसमें मॉडिफाइड है जैसे ये, तो ये कौन सा अपना वेरिएंट है? ये भाई स्पोर्ट्स वेरिएंट है और 2019 मॉडल है। 2019 मॉडल है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर, मतलब अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको अलॉयज आते हैं नॉर्मल, नॉर्मल ब्लैक अलॉयज आते हैं। तो सबसे हम अलॉयज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गाड़ी अलॉयज और इसके जो टायर है वो एक अलग उस पर जाते हैं। लोग टायर अलॉयज लगवाते हैं बट टायर उसके साथ लगवाते हैं, बट इसके अंदर जो टायर लगे हैं कोई और है। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो अपने अलॉयज हैं, ये अलॉयज अपने कितने इंच के अलॉयज हैं? ये भाई 17 इंच अलॉयज हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, इसके जो टायर्स हैं वो मिशलिन के टायर्स हैं। सो अगर हम बात करते हैं इसमें टायर के, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपने इसके अंदर टायर्स लगवाए हैं, ऐसे लोगों को करना चाहिए या एक ये ऑप्शन आपने लेके गलत करा ऐसा? नहीं भाई, ऐसा तो और इसके पीछे की एक बार केमिस्ट्री हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये टायर्स में इतनी मतलब क्यों हो रही है कि टायर्स करके? नहीं यार, अलॉयज तो मेरे को लगवाने ही थे, पर मैंने इसे ना पहले 225 की प्रोफाइल लगवाई थी, 225 45 17। तो 225 वाली जो प्रोफाइल थी वो ज़्यादा लो हो रही थी, मेरा टायर 3 बार फट गया था उसमें। थोड़ी सी ड्राइविंग थोड़ी सी तेज चलती है गाड़ी, तो गड्ढों में ना वो हो जाता टायर का काम। तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर अब ये लगवाया था 245 45 17। तो ये थोड़ी सी बड़ी प्रोफाइल है, मेरी क्रेटा में 245 है, उसमें 18 सिर्फ प्रोफाइल, दोनों की सेम है, थोड़ा चौड़ा टायर है। तो इसमें ये कि मेरे को ना कोई मतलब रोड पर दिक्कत नहीं आती, तेज भी गाड़ी चल रही है गड्ढों में जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी उठवानी पड़ी है गाड़ी, पीछे से उठी हुई है। तो गाड़ी हमारी पीछे से उठी हुई है, पीछे से उठवा रखी है ये, मतलब इसमें वो लगते हैं कड़े लगते हैं। तो उसके बाद तो अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो टायर्स हैं, ये अपने टायर ऐसे तो नहीं आते अलॉयज के साथ? अगर हम अलॉयज के साथ ये नहीं आते, अलॉयज के साथ 15 इंच की प्रोफाइल आती है, मेरे को आइडिया नहीं है। तो ये वाले टायर मतलब कि कौन सी कार के ऐसे टायर है भाई? ये मैंने लगवाए थे ऑडी A4 के, जो स्टॉक टायर आते हैं, ऑडी A4 जो अपनी स्टॉक आती है उसके साथ जो टायर्स आते हैं वो आपने अलॉयज में लगवाए हैं? वो मैंने इसमें लगवाए थे। तो इतने इजीली मिल गए थे आपको? भाई मिल गए थे, मतलब बोला हुआ था, फ्रेंड की शॉप है तो उसको पहले से पता था कि मेरे को चाहिए टायर्स, तो क्योंकि मुझे चारों ही चाहिए था सेट, तो उसको बोला हुआ था, फिर जैसे ही उसको फोन आ गया था मैं उसी दिन बदलवा दिया था, क्योंकि मेरे को करवाना ही था। तो अगर हम बात करें कि अपने अलॉयज की और टायर्स की ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई थी? भाई मेरे को अब ओवरऑल, वैसे जब मैंने फर्स्ट लगवाए थे तो मैंने 50,000 रुपए के लगवाए थे। आइडिया लेके चले, कैरियर टायर पे जो अब तक का एक्सपेंस हो गया होगा 70 के आसपास, मान लो आप 70,000 के आसपास अप्रोक्स हो गया। ये उसका फिर चेंज हुए थे तो फिर ये करवाए थे मैंने, चारों तीन वो देके। सो इसके साथ आ जाओ, एक बार हम बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल के अंदर। फ्रंट प्रोफाइल में गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रिल की, तो ग्रिल तो अपनी स्टॉक रहने वाली है, स्टॉक है भाई इसकी। तो ग्रिल के साथ अगर हम बात करते हैं हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे DRL से देख के तो लगता है कंपनी की हेडलाइट है, बट अंदर देखते हैं तो अपना प्रोजेक्टर लगा हुआ है। वैसे कंपनी की हेडलाइट, ये स्टॉक हेडलाइट है। स्टॉक में जब ये होता है ना पूरा क्रोम आता है, तो ये मैंने क्रोम हटवा के इसके अंदर ना इसको रेड करवा रखा है। मैं इसको जलाता हूं आपको दिखे, मतलब इसको मैंने अंदर से डेमोन आई लगवा रखी है इसमें, तो इसका डेमोन साइज आई लगी हुई है। हां, इसमें डेमोन आई लगी हुई है, मैं देख लेता हूं अगर एक बारी जस्टिस हो जाएगी तो ठीक है। तो अगर हम मोनजाई लगी हुई है और बाकी मैंने अंदर से खुलवा के पूरी पेंट करवा रखी है, इसमें HID लगी, क्योंकि इसके अंदर क्रोम आता है अगर हम देखें अंदर से, पूरा क्रोम होता है भाई। तो ये अपना पेंट है, पूरा पेंट है ये अंदर। तो लोग बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं कि मार्केट में अगर आप जैसे गाड़ी में लाइट अपनी खुलवा रहे हो तो इसके अंदर बहुत इशू आता है कि आपकी जो अंदर फोग बन जाती है लाइट के अंदर एक टाइम पे, तो ऐसा आपके साथ फेस हुआ है? एक बार हुआ, बट मेरे को बंदे ने गारंटी दी थी कि अगर आ जाए तो मैं चेंज दोबारा कर दूंगा, और उसके बाद कभी नहीं हुआ, मतलब एक बार हुआ है, बट मतलब वर्थ इट काम लगा मेरे को तो, ठीक है, क्योंकि ये ना मेन जो मैंने ये क्रोम ही था, बट इसकी डिमांड आई है ना उसकी ना ग्रेस नहीं आ रही थी उसमें, मैंने सिर्फ इस रीजन से ब्लैक करवाई। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे रेड कलर है, तो इसमें कलर चेंज हो जाते हैं? हाँ भाई, इसके अंदर ऐप है ये कलर चेंज हो जाते हैं इसमें। अपने को कितने कलर मिल जाते हैं इसमें भाई? आते हैं जितने कलर होते हैं सारे ही आते हैं, मतलब अप्रोक्स कोई एक आइडिया की 8 10 12 15 कलर तो है ही, 15 कलर्स अपने को आ जाते हैं, पर्पल वर्पल सारे कलर आते हैं। ठीक है, अब साथ हम बात करते हैं फोग लैम्प की, तो इस वेरिएंट के अंदर अपने को फोग लैम्प देखने को मिल जाता है, बट इसके साथ हम बात करते हैं इसके अंदर हमें हेलोजन देखने को मिलता है, तो इसके अंदर LED डली हुई है। हाँ, इसमें LED लगी हुई है। तो LED अपने कितने एक वाट की LED होगी ये? LED मैंने अभी चेंज करवाई है, मुश्किल से महीना ही हुआ है ये, शायद 75 वाट की मैंने लगवाई है, इसमें साल की गारंटी आती है, मे बी 75 वाट, हाँ 75 जो भी आती है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अपने इसके अंदर लाइट्स का ओवरऑल कितना कॉस्ट आ गया होगा? यार भाई हेडलाइट्स तो मेरी तैयार हुई थी 26 के आसपास टोटल, मेन हेडलाइट्स सिर्फ। हाँ, ये उसके अंदर अपना LED 5 वाले आते हैं, ये DL के साथ ना फिर इसकी ग्रेस नहीं आ रही थी, अच्छा इसलिए कनेक्शन हटवा रखे हैं, मतलब जलते हैं DL, जिसके स्टॉक लाइट के जैसे जलते हैं यहाँ पे,
क्योंकि इधर अपने को लाइट देखने को मिल जाती है, इस साइड डीआरएल, इस साइड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें अपना इंडिकेटर और लाइट वर्किंग है डीआरएल के कनेक्शन से। मैंने हटवा रखे क्योंकि मेरे को वो आगे से जब नीचे एलईडी और ये जो डिमोन चलते हैं दोनों की ग्रेस ऐसी अच्छी है। सो इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्रंट के अंदर और क्या लगवा, जैसे आपने इसके हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स को अपग्रेड कर दिया, उसके अलावा आपने ग्रिल नहीं अपडेट करी। भाई ग्रिल ना इसमें आती नहीं है, इसमें ग्रिल आती है क्रोम वाली, वो मुझे पसंद नहीं है। क्रोम मतलब आप गाड़ी को ज्यादा नहीं देना चाहते? गाड़ी में कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब 1% भी नहीं है, बस अब एक अपनी डी क्रोमिंग की रहेगी, ये थोड़ी सी क्रोमिंग ही है बस, ये जो बैजिंग है बस यही है, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा क्रोम गाड़ी में। तो अगर इसके अंदर हम बात करते हैं फ्रंट में और कुछ अपना है चेंज? हॉर्न लगवा के मैंने इसके मेगासोनिक रूट्स के, मेगासोनिक के अपने रूट्स लगे हुए हैं, साथ और कोई पुलिस लाइट लगवा रखी है, फ्लैशर्स लगे हुए हैं। सो फ्लैशर्स मुझे तो दिख नहीं रहे, मतलब ऐसा क्या कहाँ लगवाया फ्लैशर्स? अच्छा मतलब इसके इंटरनल में अंदर जाके लगा हुआ है कि बंपर खोल के हम अंदर से देखे तो अंदर लगा हुआ है ना, ये होता है कि बाहर लगते हैं ना तो वो ना चिप से बनते हैं, मतलब बाहर बनते हैं टाई से, आप बंद जाते हैं टाई से, वो खींच लेता कोई भी, खींच दे तार टूट जाए तो वो उससे दिक्कत है। फ्यूचर मतलब ऐसे लगवाया कि जिंदगी भर के लिए प्लेसमेंट हो गई, अब कभी छेड़ने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये अपने रिमोट के साथ होते कंट्रोल? रिमोट के साथ मोड जाते हैं इसके, ऑन ऑफ का स्विच होता है, बाकी ये मोड जाता है इसके। ठीक है तो आइए अब एक बार जरा गाड़ी के हम रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सो अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं रियर प्रोफाइल के अंदर, तो रियर प्रोफाइल में एक सबसे पहले अगर हम लोग ऊपर देखते हैं, हमें सबसे पहले शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, बट कंपनी से शार्क फिन एंटीना नहीं आता, ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया है। तो आफ्टर मार्केट आपने लगवाया तो इस पर आपके व्हाइट का भी ऑप्शन आता था? ये व्हाइट का ऑप्शन था बट मेरे को ना ब्लैक और व्हाइट की थीम करनी थी, थोड़ा सा ब्लैक और व्हाइट, क्योंकि इसका जो ये वाला कंट्रास्ट है ब्लैक का, तो फिर सारा व्हाइट और सिर्फ ये ब्लैक अलग जाता, तो फिर इसलिए। तो अगर आपने जैसे इसके साथ किया और आपने ऊपर से स्पॉइलर लगाया ब्लैक कलर का, तो इसके साथ आप रूफ को भी ब्लैक कर सकते थे? भाई रूफ मैंने मेरे को 3 साल हो गया, 3 साल हो जाएंगे गाड़ी रखे, मैंने रूफ आज तक ब्लैक नहीं कराई इसकी, मुझे जिंदगी में रूफ पसंद नहीं आई ब्लैक का भी, मतलब कोई भी गाड़ी की नहीं, मतलब मेरे को रूफ पसंद ही नहीं है ब्लैक। अच्छा मतलब अपनी गाड़ी के ऊपर रूफ नहीं करवानी ब्लैक? रूफ मैंने आज तक नहीं करवाई गाड़ी, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं कि वो उसका ABC पिलर करके ड्यूल टोन लुक दे देते हैं, मेरे को पसंद नहीं यार वो, इससे बड़े तो रैप करा दो पूरी गाड़ी, ड्यूल टोन तो नहीं, मजा नहीं आता यार मेरे को, मेरा पर्सनली मैंने पर्सनल प्रेफरेंस मेरे को अच्छी लगती है। साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रियर प्रोफाइल के अंदर स्पॉइलर हो गया, शार्क फिन एंटीना हो गया, इसके साथ टेल लाइट्स में, तो टेल लाइट्स आपने आफ्टर मार्केट अपग्रेड क्यों नहीं करी, स्टॉक की है ऐसा क्या रीजन? टेल लाइट्स इसकी आफ्टर मार्केट आती नहीं है, स्टॉक भी बहुत अच्छी है यार, क्योंकि लोग इसके अंदर भी एलईडी के साथ मतलब अपना लगवा के चेंज करवा लेते हैं, कि आजकल बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आ गए हैं। कस्टमाइज आ रही है, मेरे को मिल भी रही थी, बट वो पर्सनल कोई बंदा बना के दे रहा था, तो उसकी वो कहता गारंटी वारंटी है, बट वो मार्केट में ही नहीं है, ताइवान वाली है, ताइवान वाली सबको पता है कैसी चलती है, क्या उसका रिस्पॉन्स है, तो वो चीज है, वो कोई ट्राइड एंड ट्रस्टेड नहीं थी, मतलब आपको पूरा था कि फ्यूचर उसका नहीं है लाइट, 15-20 हज़ार रुपए की लाइट लगवा लो और फिर खराब भी हो जाए तो फिर यार मेरे मजा नहीं आएगा, स्टॉक अच्छी, स्टॉक पे सेटिस्फेक्शन है आपको? सेटिस्फाइड है। सो इसके साथ हम बात करते हैं, आपने इसके अंदर नीचे अपने जैसे रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं, सो ये रिफ्लेक्टर्स एक बार अगर हम ऑन करके व्यूअर्स को दिखा दे अपने, कोई नहीं आप सो ये अपने रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं और इस साइड अपनी नॉर्मल स्टॉक हुआ है टेल लाइट्स कर दूंगा। तो भाई अगर हम बात करते हैं इसके अंदर अपना म्यूजिक सिस्टम के बारे में, इंटीरियर में जाने से पहले अगर हम म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर अपना सिस्टम कौन सा लगा हुआ है? भाई इसमें वूफर लगा हुआ है। कौन सी ब्रांड का वूफर लगा हुआ है? चैंपियन सीरीज। चैंपियन सीरीज मतलब ऐसा क्या कि सारे लोग चैंपियन सीरीज के पीछे पागल है? चैंपियन सीरीज निकली एक अलग है, जिसको पता है भाई वो चीज चैंपियन सीरीज की ना क्लैरिटी ही अलग है, और मेरी स्टॉक के साथ चल रहा है, बहुत अच्छी आवाज अभी आपको स्टॉक मतलब अपने जो अपने कंपोनेंट्स लगे हैं स्टॉक है कंपनी के कंपोनेंट्स, और एम्पलीफायर अपना एक ही सिंगल लगा हुआ है, सिंगल लगा हुआ है, 4 चैनल सिंगल अपना 4 चैनल एम्पलीफायर है मिशिगन का, इसके साथ अपना ये चैंपियन सीरीज सबवूफर है, सबवूफर है। तो अगर इसके बारे में बात करें कि कितना एक पुराना आप इसको यूज कर रहे हो? ये भाई जिस दिन मेरी गाड़ी ली थी मैंने उसके एक हफ्ते में बाद लगवा दिया था, एम्प मैंने नया लगवाया था, वूफर मेरा पुराना रिस्टोर था, क्योंकि मेरे पास 2-3 गाड़ी में ये 2 गाड़ियां पहले मेरी ये चल चुका है, तो मैंने उससे उतार के फ्रिज में डाल दिया था। मतलब इससे भी पूरा आप सेटिस्फाइड हो? हाँ भाई, मैंने इसके अलावा वो भी चलाया, इसमें रॉकफोर्ड का R1 आता है, रॉकफोर्ड फोर्टेज का R1 सीरीज वाला आता है, वो भी चलाया, बट वो थोड़ा सा हल्का, रॉकफोर्ड फोर्टेज का R1 सीरीज, जो R1 सीरीज आती है वो मैंने चलाई है इसमें, बट वो थोड़ा सा हल्का है, वो थोड़ा सा दब जाता है, वो बहुत अगर बिल्कुल गाड़ी के अंदर अंदर आवाज चाहिए तो ठीक है, इसमें ये कि अगर ज्यादा बेस कर दो तो भार भी है, तो अंदर के हिसाब से तो मतलब कार के हिसाब से सफिशिएंट है। हाँ, बहुत सफिशिएंट है। तो आइए जरा एक बार करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर के अंदर, तो इंटीरियर का सबसे हम लोग बात करेंगे अपने डैशबोर्ड के बारे में, तो डैशबोर्ड अपना सिंगल टोन आता है, इसके साथ अपना बेज आ जाता है, तो आपने इसको रेड कलर दे रखा है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये रेड कलर अपना किस उस पे है, पेंट है या इसका कपड़ा लगा हुआ है? नापा लेदर क्लॉथ है पूरा, नापा लेदर लगा हुआ है इसमें, तो इतने एक पार्ट पे अपना नापा लेदर लगा हुआ है,
इसके साथ अगर हम बात करते हैं, इस साइड पे अपना पेंट है या नापा लेदर, ये भी लगा क्योंकि ये पैनल खुलता नहीं है। हाँ, ये खुलता नहीं है क्योंकि इसके अंदर अगर करवाता तो मैं पूरा करवाना पड़ता, बट मेरे को ये सिर्फ आउटर लुक वाला चाहिए। तो आपको इनर में भी देना पड़ता, इनर में भी देना पड़ता, बट वो फिर बहुत ही ऑड लगता पूरा हिलाल, तो फिर मैंने इसको पेंट करवा दिया था। तो मतलब अपना ये पेंट है, सिर्फ एक ये पोर्शन का पेंट है, बाकी सारा अपना नापा लेदर लगा हुआ है। जैसे अपने ए पिलर्स हो गए, पिलर्स भी नापा लेदर है। तो अच्छा, इसमें पिलर्स ब्लैक और बेज दोनों में मिलते थे गाड़ी में? नहीं, इसमें जो पिलर्स हैं इसमें आते ही बेज है, ये बेज है, ये बेज है, ये क्योंकि ड्यूल टोन शेड देती थी गाड़ी। तो जैसे आपका आपको ऊपर रूफ मिलती थी, वो आपको मिलता था रूफ लाइनर बेज के अंदर, और साथ आपको यहाँ पे ये बेज मिलता था देखने को। और जितना रेड हो रखा है ना पार्ट, वो सारा बेज था, ये लगा लो मैंने। जो ब्लैक था वो ब्लैक ही है, और जो बेज है वो सारा का सारा रेड है इस टाइम पे। तो साथ अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर बेज की, हमें थोड़ी थोड़ी कमी यहाँ से दिख रही है, जैसे कि हम लोग यहाँ से देखते हैं यार, ये बेज आती है। तो ये चेंज कराने का नहीं सोचा आपने? मतलब आपने जैसे रूफ लाइनर ब्लैक करवा दी, एक चीज मैं और देख रहा हूँ, ये ब्लैक अपनी वेलवेट है। हाँ, क्योंकि ऐसे अगर हम देखें ना तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये अपनी वेलवेट है। जिसके घर में सोफे वगैरह बेड वगैरह आते हैं तो वहीं से बंदा हिसाब लगा लेता है कि ये वो है। तो पहली बात तो आपने इसको ब्लैक कराने का नहीं सोचा यार भाई, ये आपको क्यों जुड़ो लिया मेरे को ना बाद में ध्यान आया था। अच्छा, मतलब माइंड स्किप हो गया, माइंड स्किप हो गया था ये उस टाइम में, माइंड सेट में नहीं था। नहीं तो ये इस पे तो मैं करवा देता, चाहे रेड भी करवा देता कपड़ा भी, अब इतना शाम हो रहा था तो ये भी हो जाता, ये मुझे ध्यान ही नहीं था ये। बट मेरे को अब करवाना है या ये ब्लैक करवाऊंगा मैं सारा कुछ, क्योंकि ये हैंडल्स भी कराने हैं, डोर हैंडल्स अपने जैसे रियर में है वो करवाना है। मेरे को अब ध्यान आया, उस टाइम मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे। तो अगर हम बात करते हैं इसके साथ अपना जैसे वेलवेट लगा हुआ है रूफ लाइनर सारा, तो इसकी कॉस्ट क्या थी इंटीरियर इंटीरियर की विद सीट कवर? भाई इंटीरियर का विद सीट कवर मेरे को पड़े थे 25 के आसपास टोटल, 25,000 इसके लिए उसने स्पेशल बंदा बुलाया था जो एयरबैग्स खोलेगा, क्योंकि मेरे को ये वाला पार्ट मैंने उसे कहा था, बट ये एयरबैग के चक्कर मैंने नहीं करवाया था क्योंकि फिर ये छिड़वाना बेकार था, क्योंकि एयरबैग था। बट अब भी जिसने खोला है वो थोड़ा स्पेशलाइज था बंदा एयरबैग्स का, उसने खोला है और वो स्पेशल आके वही बंद करके गया था इसको, तो उसके अंदर मतलब ऐसा कुछ नहीं। अगर अब भी गाड़ी लगेगी तो एयरबैग खुलेगा, क्योंकि एक चीज डर रहता है कि भाई एक तो पैनल गैप आ जाता है हमारा, और दूसरी बात हम जैसे छेड़खानी करते हैं तो इसमें इन केस एट ए टाइम अपना एयरबैग ना खुला, हाँ ये बहुत डर रहता है। इसमें दोनों चीजें, इसमें एयरबैग भी खुलेगा और इसमें ये है कि अगर मतलब मेरे को कहीं से मतलब 00 फिटिंग मैंने करवाई थी, फिटिंग में अब तक कोई इशू नहीं आया, जिस दिन गाड़ी करवाई थी उसके बाद मैं एक बार भी नहीं गया, मतलब लगा लो सब नक्के, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करी थी। तो आपने इतना कुछ करा लिया, गियर नॉब क्यों नहीं चेंज करवाई? यार गियर नॉब ना मेरे को टॉप मॉडल वाली मिलनी नहीं थी मुझे इसकी ना, मुझे हाँ मुझे जो एक आती है ना गोल आती है अलग अलग लीवर वाली आती है वो पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है मेरे को। इसी में ना टॉप मॉडल आती है उसका सिर्फ ये वाला पार्ट क्रोम में होता है और ग्लॉसी होता है, हाँ मेरे को बस वो वाला चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो इतना 6 गियर वाला रिवर्स वाला मिल रहा है, मैंने कहा फिर गियर्स में होते उस हिसाब से नहीं है वो। तो अब अगर हम लोग बात करें कि जैसे रिमोट है तो इसमें बाल्टी लगी हुई है? हाँ भाई इसमें चैनल लगा हुआ है। कौन सी उसकी बाल्टी लगी हुई है अगर हम बात करें? अहूजा की है, किसकी है? अहूजा की बाल्टी है और साथ में इसकी वो है जो ये माइक तो आता साथ। कितनी एक साउंड निकाल देता ये? 18 साउंड वाला होता है यार भाई, 18 साउंड वाला होता है, 18 साउंड आती है इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें गाड़ी के ऊपर अपना कितना लग गया होगा अब तक स्पेंड कर चुके आप टोटल? तो भाई यार समय अराउंड 1.5 लाख के आसपास, मतलब 1.5 लाख क्या मॉडिफिकेशन कर चुके गाड़ी में, 1.5 की हो चुकी है इसमें। तो वर्थ इट लगा? वर्थ इट तो है भाई, सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड तो हो, बट मतलब अगर हम बात करें कि ऐसे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा ओड हो गया या और थोड़ा करवाना है या इसको टाइम टू टाइम चेंज करवाना है, कुछ ऐसा लगता है? चेंज कराने का तो मैंने नहीं सोचा क्योंकि अब एक बार एक चीज करवा दी, बार बार उसको छिड़वाना तो बेकार है यार, वो तो फिर ये है कि बार बार आप एक और चीज। अब जैसे मेरे कई व्यूअर्स आपकी गाड़ी की वीडियो देख के अपनी गाड़ी में करवाने का सोच रहे होंगे, तो उसमें आप कई बार अगर लोग के माइंड में डाउट रहता है कि इसकी लाइफ कितनी होती है नापा लेदर की? भाई इसकी उन्होंने मेरे को मतलब अगर खिंच जाए फट जाए उसकी गारंटी तो उन्होंने मेरे को बोलता कि 2 साल की है, बाकी लाइफ तो इसकी है लाइफ टाइम है, तो सिर्फ ग्लू के ऊपर टिका हुआ है तो कपड़ा है, कपड़ा कहाँ जाएगा? क्योंकि मतलब कई बार होता है कि धूप में जैसे हम डैम्पिंग वगैरह की बात करते हैं, हमारी डैम्पिंग तक नीचे आ जाती है डोर्स पर। भाई इसमें ऐसा कुछ तो इसमें ऐसा कुछ धूप में बढ़िया मेल्ट वगैरह का हो या कोई कपड़ा हमारा कट जाता है? 5-6 महीने हो गए भाई धूप में भी खड़ी रही है, मैं इसको पहाड़ों पे भी ले गया, बर्फ में भी मतलब पूरी गाड़ी में बर्फ हो गई थी तब भी खड़ी रही है, कभी मतलब ऐसे नहीं कहीं से खिंच गया हो या कुछ हो, बाकी लाइफ तो यार मेरे को अब ऐसे नहीं कह सकते कितनी चलेगी, पर अभी तक मेरा बहुत बट कुछ मेंटेन करने के ऊपर भी आती है, मेंटेन के ऊपर है, बाकी गाड़ी यार मेरे तो बहुत कम खुलती, शीशे कमी डाउन होते हैं तो मिट्टी वेलवेट इसके चक्कर में शीशे नहीं खुलते, मिट्टी चिपकेगी तो उसकी। अच्छा अब एक और चीज, जैसे आपने वेलवेट का बताया तो वेलवेट के जैसे आप बता रहे हो कि वेलवेट हमने लगवाया हुआ छत पे, तो कई बार क्या होता है कि जैसे गाड़ी गर्मी में धूप में खड़ी होती है तो बहुत ज्यादा हीट गाड़ी में बहुत ज्यादा हो जाती है। भाई मुझे ये भी नहीं लगा, ये लिटरली मेरे को किसी ने बोला था
मेरे को उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं माइंडसेट, किसी ने मेरे को उस टाइम नहीं बोला, मैं करवा के आ गया था, तब मुझे कहा था तूने छत ब्लैक करवा दी, तो ये ना वो हो सकती है मतलब हीट होगी गाड़ी बहुत ज्यादा हीट ले लेती है, या अगर जैसे आप ऊपर रैप करा लेते हो तो वो हीट लेती है। 39 डिग्री टेम्परेचर है, आप बताओ, सिर्फ एसी मेरा एक पे चल रहा है आपके सामने, बिल्कुल आप खुद बताओ कि लग रहा है। मैंने आपको वही कहा कि इसमें हीट इतनी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। नहीं यार मेरे को तो इतना नहीं लगा, मेरे को अब तक आज तक फील नहीं हुआ। और कुछ ऐसा लगा कि जैसे वेलवेट, क्योंकि इसके इंटीरियर में भी अंदर जो हम बात करते हैं उसमें ग्लू लगती है, तो वो चीज नीचे से लगता है कि आ गई है, कुछ कहीं कहीं तरफ से गिर गई है, प्रॉपर लेवल के साथ है। इसके अंदर ना एक और कपड़ा था, इसमें उन्होंने कहा था लेदर, अगर मैं नापा में एक स्टिचिंग वाला चलता है क्रॉस क्रॉस वाला, जिसमें बर्फी स्टाइल होता है, बर्फी स्टाइल, हाँ वो कहा था अगर वो करवाओगे तो लटक सकती है, क्योंकि वो लेदर का वेट होता है। ये वेलवेट तो बहुत हल्का था यार, बहुत एक फॉर्म की बहुत पतली शीट थी, तो मैंने इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने सजेस्ट भी ये करा कि ये लगवा लो, इसकी लुक भी ज्यादा वो होगी और ये कि ये लटकेगा नहीं, मतलब इसकी गारंटी भी अच्छी है कि लटक नहीं सकता, हल्का कपड़ा चिपक जाएगा। तो ये आपने ओवरऑल काम कहाँ से करवाया? ये मैंने फरीदाबाद से करवाया था भाई। फरीदाबाद से? हाँ, तो फरीदाबाद से सेटिस्फाइड हो मतलब काम से? हाँ भाई, इससे सेटिस्फाइड हूँ। ये तो मेरी गाड़ी कभी जिंदगी में करोल बाग नहीं गई है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि करोल बाग से काम करवाते हैं पर बाद में लगता है कि हाँ भी गलती हो गई। उसमें करोल बाग से पूरा काम हो रखा है, पूरा करोल बाग से काम हुआ उसमें, ए टू जेड। तो उसमें भी सेटिस्फाइड हो आप करोल बाग के? क्योंकि मैंने दो तीन वीडियोस देखी हैं कि करोल बाग की एक्सपोज किया, ये किया, तो उसपे यार हो सकता है भाई, हो सकता है या तो व्यूज के ऊपर हो, या हो सकता है कि कईयों की सेटिंग ना बनी हो ढंग से, ये हो सकता है, कहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो की 100 गाड़ी हो रही है तो 100 में से कोई 2 में से तो गलती आ सकती है निकल के, बट मैंने तो उसमें भी सारा स्टॉक काम ही करवाया था, जो हुंडई के ओरिजिनल पार्ट्स थे वो लगवाए हैं, तो उसमें तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया चल रही है भाई वो भी। इंटीरियर के जो अपने सीट कवर्स है वो ड्यूल शेड के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे, जिसके बॉर्डर्स आपको ब्लैक में देखने को मिलेंगे। इसके साथ आपको जो इसका इनर पोर्शन मिलेगा वो आपको मिलेगा सारा रेड के अंदर। तो इसका भी आपने इसकी ड्यूल शेड जो बनाई है वो इंटीरियर को देख के ही शेड करी थी? हाँ भाई, ये मैंने खुद डिजाइन दिया था उनको, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल ये जैसे इसमें बर्फी वर्फी वो बिल्कुल पसंद है, मेरे को सिंपल सॉबर चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने ये डिजाइन करवाया था, और साथ में इसकी थ्रेडिंग वेडिंग जो थ्रेड्स थे इसके वो रेड हो गए थे, ताकि इसकी मतलब लुक के लिए ड्यूल टोन में करवाना था, कुछ एक ड्यूल टोन लुक आ जाए। हाँ पूरा उसका। तो इसके साथ एक और चीज भाई, ये चलती रहती है क्योंकि इसमें ना कपलर लगता है, हैंड ब्रेक का कपलर लग जाता है। अच्छा, तो उससे ये ऑटो डायरेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद अगर मैं कहीं चल गाड़ी चल भी रही है, हैंड ब्रेक डाउन भी है, तो भी वीडियो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब जब तक अपनी हैंड ब्रेक डाउन हो जाएगी तब भी अपनी वीडियो चलती रहेगी गाड़ी के अंदर, तो कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा? इशू नहीं रहेगा भाई, वो सही है। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। भाई अगर हम बात करें, ये तो हो गई हमारी एक, हमने मॉडिफिकेशन के ऊपर सारी वीडियो बना दी, इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको लगता है कि वर्थ है ये गाड़ी आज के टाइम में, अगर आप किसी को रिकमेंड करोगे कि गाड़ी ले लो आईटून भाई, 7.5 लाख के बजट, मैंने 7.5 लाख की ली थी ये स्पोर्ट्स मॉडल, 7.5 लाख के बजट में तो बिल्कुल वर्थ इट है भाई, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बलिनो का था और बलिनो यार बहुत हल्की गाड़ी है। बलिनो के साथ खैर इसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा हमें फर्क लगता है, फीचर फालतू मिल रहे थे, सेम 7.5 का उसका मॉडल था, बट उसमें मेरे को कैमरा मतलब बैक कैमरा नहीं मिल रहा था, स्क्रीन नहीं मिल रही थी वीडियो वाली, तो इसमें मेरे को फीचर भी अपग्रेडेड मिल गया, और i20 यार हुंडई, तो मैं पहले 3-4 गाड़ी हुंडई की ही चल रही है हमारी, उसके बाद मारुति का स्विच नहीं कर रहा था, ये अच्छी है मतलब बिल्कुल प्रेफरेंस है भाई, 7.5 लाख में तो बहुत वर्थ इट। तो इसके साथ हम बात करें कि जैसे आपने कंपनी के अलॉयज हटाके आपने आफ्टर मार्केट अलॉयज लगाए हैं, उसमें कुछ कंफर्ट का और अपनी एवरेज का क्या इशू है? भाई कंफर्ट तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने टायर चौड़े हैं, तो कंफर्ट तो पूरा है, गाड़ी कभी बबलिंग नहीं करती, और भाई हाईवे पे भी मैंने इसको 120-130 पे हाथ छोड़ा हुआ स्टीयरिंग पे, तब भी गाड़ी मैं कह रहा हूँ इतना सा भी नहीं होता स्टीयरिंग, मतलब स्टीयरिंग बबलिंग भी नहीं मार, बिल्कुल भाई कह रहा हूँ बबलिंग क्या भाई, अगर ये 150 भी चल रही है तो भी गाड़ी हिलेगी नहीं, सीधी है तो सीधी रहेगी, मतलब स्टेबल हो गई है। अच्छा एक और चीज मेरे माइंड में जो एक क्वेश्चन बार बार ही आ रहा है कि आपने जिसके अंदर कड़े लगवाए पीछे, तो उससे जो बंदे पीछे बैठे हैं उनको कंफर्ट फील होता है, क्योंकि वो फिर थोड़ा हार्ड हो जाते हैं शोकर? भाई मैं भी इसमें पीछे बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे को तो मतलब कंफर्ट तो पूरा है यार, अगर जो मतलब कंपनी स्टॉक देती है उस हिसाब से देखो तो कंफर्ट पूरा है, वैसे कोई इसमें मतलब कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं है। तो आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी लगती है गाड़ी? वैल्यू फॉर मनी। और आप आगे लोगों को रिकमेंड करना चाहोगे? बिल्कुल भाई, ये तो भाई वर्थ इट है यार। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई।